दोस्तों, अगर हमें दिल्ली आगरा या मुंबई के अपोजिट जाना हो तो हम कैसे जाएंगे? जाहिर सी बात है, एरोप्लेन से। अगर हम शॉर्टकट तरीके से धरती में गड्ढा खोदकर अपोजिट देश जाएं, तब ये काफ़ी आसान होगा ना, तो हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे। अगर मान लो हमें चेन्नई के अपोजिट इक्वेटर का गालापागोस में जाना है तो लगभग 18,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी, और अगर हवाई जहाज से इतनी दूरी तय करेंगे तो हमें कम से कम 30 घंटे से 35 घंटे तो लग ही जाएंगे, और किराया भी लाखों में लगेगा। तो क्यों ना हम एक गड्ढा खोदें जिससे वहाँ आसानी से पहुँचा जा सके और इतनी दूरी हमें तय ना करनी पड़े। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या होगा जब हम ज़मीन के आर पार एक गड्ढा खोद लेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने घर से, और जाहिर सी बात है सरकार इसकी परमिशन तो नहीं देगी, तो हमें अपने घर के नीचे से खुदाई चालू करनी होगी। दोस्तों, बिना किसी को बताए हमने एक फावड़े और कुदाल से खोदते खोदते लगभग 4 मील का गहरा गड्ढा खोद लिया है। यह गहराई धरती की सबसे गहरी माइन से भी अधिक है। अब थोड़ी गर्मी लगने लगी है, लेकिन मैंने खुदाई चालू रखी है। अब 8.8 मील का गड्ढा खोद लिया है, और अब यहाँ मेरी स्किन भी जल रही है क्योंकि इस जगह का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस हो गया है। लेकिन मैंने हार न मानते हुए अब दुनिया के सबसे गहरे गड्ढे की गहराई को पार कर लिया है, लेकिन अब टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो गया है। दोस्तों, ये इतना ज़्यादा है कि इस टेम्परेचर में हड्डियाँ तक गल जाएँ। अब मान लीजिए मैंने यहाँ सूट पहन लिया, अब ये आग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। खुदाई को जारी रखते हुए अब मैंने 40 किलोमीटर से ज़्यादा गहरा गड्ढा खोद लिया है, और दोस्तों अब यहाँ टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। ये इतना गर्म है कि यहाँ पर सोने चांदी जैसी धातुएं भी पिघल जाएं। लेकिन दोस्तों, मैंने सूट पहना हुआ है जिससे मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने 100 मील गहरा गड्ढा खोद लिया है, और अब मेरे सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई है क्योंकि मेरे पास मौजूदा स्टील का फावड़ा और कुदाल पिघलने लगे हैं क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर और भी अधिक हो गया है। लेकिन मैंने अपने गड्ढा खोदने वाले हथियार को भी हीट प्रूफ लिक्विड लगा ली है, और अब ये नहीं पिघलेंगे, और मेरे गड्ढे की खुदाई अब भी चालू रखी हुई है। अब दोस्तों, 150 किलोमीटर की गहराई में मुझे दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ पर कार्बन हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से हीरे का रूप ले लेता है, तो मैं डायमंड को वापस जाते वक्त इन्हें लेकर जाऊँगा। तो दोस्तों, खुदाई करते करते मैं 410 किलोमीटर तक अंदर चला गया हूँ। यहाँ मुझे ठोस पत्थर दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो यहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि पत्थर भी पिघल जाएं, लेकिन दोस्तों प्रेशर इतना ज़्यादा है कि पत्थर ठोस रूप छोड़कर तरल रूप ले ही नहीं सकते। आगे बढ़ते हुए अब मैं धरती के 3000 किलोमीटर तक आ गया हूँ। दोस्तों, यहाँ का टेम्परेचर सूरज की सतह के बराबर है, यानी करीब 6000 डिग्री सेल्सियस के बराबर। इतने में तो दोस्तों सारे मेटल्स पिघल जाते हैं। अब धरती की ग्रेविटी मुझे दोनों ओर से प्रभावित कर रही है, और धरती का ज़्यादातर मास यानी द्रव्यमान मेरे ऊपर है, इसलिए मैं अब और नीचे नहीं जा सकता। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को यह पता कि धरती की सतह पर ग्रेविटी हमें नीचे की तरफ खींचती है, तो वहीं धरती के इतने अंदर ही हमें ऊपर की ओर खींचेगी। अब हमें एक ऐसे रॉकेट की ज़रूरत है जो इतनी तेज़ी से चले कि मैं ग्रेविटी के प्रभाव से बच जाऊं। तो मान लीजिए हमने इसका भी इंतज़ाम कर लिया। अब मैं रॉकेट की सहायता से धरती के 5000 मील की गहराई को पार कर चुका हूं, और धरती की लास्ट लेयर कोर में आ चुका हूं। यहां आपको बता दें कि धरती की कोर आयरन से बनी होती है जो कि स्फीयर की शेप में है। दोस्तों, लिक्विड कोर ही घूमकर धरती के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। अब मैं धरती के 6371 मील दूर हूँ, और यह धरती का केंद्र है, और इस वक्त चारों ओर ग्रेविटी ज़ीरो है। लेकिन दोस्तों, अब मैं यहाँ आकर फंस चुका हूँ, और शायद अब कभी बाहर ना आ पाऊँ। और इसी के साथ धरती के दूसरे सिरे गैलापागोस निकलने का सपना एक सपना ही रह गया। इससे अच्छा है दोस्तों हवाई जहाज से चले जाओ, यहाँ आपके और हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।